इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं जिसकी मांग बहुत ज्यादा थी, पर वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सुनना है और वीडियो को स्किप नहीं करना है। हो सकता है कुछ चीजें मैं बोलूं, कुछ चीजें मैं यहां पे लिखूं और आपने वीडियो को आगे कर दिया और वही इंपॉर्टेंट चीज आपसे मिस आउट हो गई, तो प्रॉब्लम में आ सकते हो आप अपने इनसेम एग्जाम में। तो इसलिए बहुत ही अच्छे से सुनना, ये वीडियो पूरा का पूरा M1 DM और M3 से रिलेटेड स्टूडेंट के लिए है। यहाँ पे कुछ स्पेशल चीज लेकर आया हूं, इसके पहले भी मैं लेकर आया था, बच्चों का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था M1 DM और M3 से रिलेटेड। अभी मेरी प्लानिंग ये दोनों से रिलेटेड है, अगर बच्चे इसका कमेंट करेंगे तो ये भी मैं लेकर आऊंगा। ये दोनों से रिलेटेड मेरी प्लानिंग क्या है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, यहाँ पे मैं आपको लगातार जब तक आप अभी आपके इनसेम एग्जाम जिस तारीख हो उसके पहले तक मैं आपको लगातार रेगुलर एक एक घंटे का ऐसा सेशन लूंगा जिसके अंदर मैं इस सब्जेक्ट का, ये सब्जेक्ट का जो डर है ये मैं खत्म करूंगा। साथ में सब्जेक्ट को आपको कैसे पढ़ना है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका अभी कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ होगा, मैं ऐसी प्लानिंग आपको बताऊंगा, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग अगर आप जाओगे तो जरूर आप अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। क्योंकि जो कंटेंट की बात है पूरा का पूरा मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी पूरा का पूरा कंटेंट मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया, तो कंटेंट मैं वहां पे नहीं पढ़ाने वाला, पर मैं वहां पे बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक आपको सबसे पहले कवर करना है। अगर मैं यही चीज यूट्यूब पे मैं 1-to-1 कैसे कर सकता हूँ, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये मैं सेपरेटली आपके लिए करने का ऐसा एक प्लानिंग है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सच में वो चाहिए तो मैं लेकर आऊंगा, अदरवाइज फिर मैं कुछ और अलग से प्लानिंग करूंगा। पर बहुत सारे बच्चों का लगातार कमेंट है कि सर ऐसा कुछ लेकर आओ जिससे सच में हमें बेनिफिट हो, क्योंकि हमारा कुछ भी नहीं हुआ है और लास्ट टाइम पे हमें समझ में नहीं आ रहा कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा टॉपिक करें। और साथ में दोस्तों मैं रेगुलर मॉर्निंग में आपको टेलीग्राम पे कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा अलग से, जिस क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व कर लोगे तो मैं गारंटी बोल रहा हूं कि आप अपने इनसेम में बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे और लोगों ने इसके पहले किया है। साथ में यहां पे दोस्तों कुछ मेरे सेशंस होंगे रेगुलर, मेरे एक एक घंटे के सेशंस होंगे रेगुलर, जब तक आपका इनसेम, जब तक ये पेपर नहीं होगा तब तक मेरा रेगुलर एक एक घंटे का सेशन होगा और उस सेशन में मैं आपको 100% गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा। उसके अंदर मैं बताऊंगा कि आपका पेपर पैटर्न कैसा होगा, कैसे आंसर्स लिखने, किस तरह से मैंने अपने यूनिवर्सिटी में टॉप किया था, किस तरह से मैंने अपने पेपर्स को लिखा था, आपको कैसे अपने पेपर्स को लिखना है, सब कुछ A to Z। और साथ में पासिंग के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक्स करना है सब कुछ प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों नीचे गूगल फॉर्म दिया है, अगर आप चाहते हो कि सच में ये कोर्स लेना है तो आप नीचे अपना जो भी गूगल फॉर्म दिया है उस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हो, जिससे मुझे पता चलेगा कि बच्चों का रिस्पॉन्स कितना है। अगर सच में आपको रिक्वायरमेंट है तो जरूर मैं लेकर आऊंगा, अदरवाइज मेरे पास भी टाइम का बहुत प्रॉब्लम है। तो दोस्तों यहाँ पे M1 से रिलेटेड जो भी नीचे फॉर्म दिया है वहां पे देखो SPPU लिखा होगा, Mathematics 1, याद रखना ये SPPU स्टूडेंट के लिए ही है, अगर दूसरे यूनिवर्सिटी के अगर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नहीं है। दूसरा यहाँ पे DM के जो स्टूडेंट्स हैं वो DM के स्टूडेंट नीचे दिया होगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, वहां पे आपको कॉमेंट करना है। DM अलग अलग ब्रांच वाइज सब्जेक्ट अलग अलग है, पर कोई दिक्कत नहीं है, आप नीचे कॉमेंट करना, साथ में अपने जो भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे वो आपको वहां पे अगर ऑप्शन होगा तो लिखो, पर दिक्कत नहीं है चलेगा, ब्रांच आप अपना लिख देना। साथ में M3 का अभी हमारा कोई प्लानिंग नहीं है, पर अगर M3 स्टूडेंट भी अगर नीचे कमेंट करेंगे तो मैं ट्राई करूंगा, अगर ज्यादा दिखाई दिए गूगल फॉर्म आपको भरना है, अगर आप गूगल फॉर्म नहीं भरोगे तो मैं कंसीडर नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मुझे बहुत ही कम स्टूडेंट को लेना है। मैं चाहता हूं कि सच में जिन स्टूडेंट को इस चीज की जरूरत है मैं उन्हें ही प्रोवाइड करना चाहता हूं। तो आपको एक गूगल फॉर्म भरना है, फॉर्म भरो, अगर मुझे दिखाई दिया रात तक रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा तो हो सकता है कि कल मैं इससे रिलेटेड एक कोर्स लॉन्च करूं और परसों से मैं आपके इनसेम की तैयारी बहुत ही जोरदार तरीके से करवा लूं। पर याद रखना सब्जेक्ट बस M1 का ही मैं सब्जेक्ट करवाऊंगा, उसमें अगर आप बोलोगे सर दूसरे सब्जेक्ट को करवाना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, मेरे पास भी टाइम का प्रॉब्लम है। साथ में यहाँ पे जो DM के स्टूडेंट है उनको मैं DM का ही सब्जेक्ट करवा के दूंगा और यहाँ पे M3 के स्टूडेंट है उनको M3 का ही। तो आपको तीनों के गूगल फॉर्म नीचे लिंक दिया है, उस लिंक पे आपको फटाफट क्या करना है, गूगल फॉर्म फॉलोअप पूरा पूरी तरह से फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद मुझे एक प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, अगर ज्यादा रिस्पांस दिखेगा तो ही मैं कोर्स लॉन्च करूंगा। और कोर्स का जो फी है दोस्तों बहुत ही कम फी है, 499 फर्स्ट कोर्स अभी तक मैं लॉन्च करने जा रहा हूं, पर यह भी अभी 100% फिक्स नहीं है। ये मत सोचना कि ये मैं सच में लॉन्च करूंगा, मुझे रिस्पॉन्स जैसा दिखाई देगा, मेरा टाइम का भी प्रॉब्लम है, अगर सच में टाइम सब मैच हुआ तो जरूर आपको 5 तारीख मतलब परसों से कोर्स दिखाई देगा। तो ये जो फी रखा हो आप अगर मेरे बारे में सर्च करना और पूरा का पूरा कोर्स का जो गाइडेंस है वो ही मैं ही प्रोवाइड करूंगा, तो सोचो आप 1-to-1 मेरे से इंटरेक्शन भी कर सकते हो। तो अगर आप ज्वाइन करना है तो आप ये बस ये फी है, उसके अंदर सोचो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ वहां पे अलग से भी प्रोवाइड करूंगा, और अगर आपको यूट्यूब से करना है तो यूट्यूब पे सब चीजें अवेलेबल है। बट एक चीज और बोल रहा हूँ कि अगर आपके रिस्पांस के ऊपर डिपेंड करता है, रिस्पांस अगर अच्छा दिखाओगे, अगर मेरे पास सब टाइम वाइम सब मेरा मैनेज हुआ तो मैं करूंगा। और साथ में दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बारी है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां मिलेगा। दोस्तों
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका M1 के जो भी स्टूडेंट्स हैं, DM के जो भी स्टूडेंट्स हैं, M3 के जो भी स्टूडेंट्स हैं, आपको इसके लिए क्या करना है, जितना हो सके उतना लाइक्स करो वीडियो को, जितना हो सके उतना वीडियो के नीचे कमेंट करना। और दोस्तों यहां से मैं सोच रहा हूं कि अगर समझो एक वीडियो इतने स्टूडेंट के लिए, तो कम से कम 1500 आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, जितने ग्रुप से वहां तक इस वीडियो को पहुंचा दो। और दोस्तों कमेंट का जो टारगेट है 500 है, इसके अंदर से ऐसे स्टूडेंट्स जिनके कमेंट, अगर समझो डीएम वाले स्टूडेंट ने डीएम कमेंट सबसे ज्यादा किया, तो पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों उनके आएंगे। अगर यहाँ पे M1 वालों ने सबसे ज्यादा कमेंट किया तो M1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, अगर M3 वालों ने सबसे ज्यादा कमेंट किया तो M3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। तो जल्दी से, मैंने तो मेरे साइड से काम कर दिया है, अगर आप चाहते हो चीजों का बेनिफिट उठाना तो फटाफट वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो, जितने लोगों तक पहुंचा सकते हो, अपने कॉलेजेस ग्रुप जो भी है वहां तक पहुंचा दो आज वीडियो को। और आप देख रहे होंगे इतने दिनों से लगातार हम आपके लिए काम कर रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि इनसे में बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो जरूर ये टारगेट को कवर कर दो। और अगर आपको कोर्स के बारे में अगर सोच रहे हो तो वो भी आप वहां पे एक बार गूगल फॉर्म आप फिलअप कर दो, तो मुझे एक आइडिया रहेगा, क्योंकि मेरे पास अब एक दिन का ही टाइम है, तो मैं जल्दी जल्दी वो चीजों को भी इंप्लीमेंट करके परसों से हम चीजें लेकर आ जाएंगे। तो दोस्तों ये फटाफट ये टारगेट कवर होना चाहिए, और जिनके कमेंट सबसे ज्यादा होंगे उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा कहां पे, तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीचे ही एक लिंक दिया है व्हाट्सएप का, व्हाट्सएप के लिंक पे जाओ, तुरंत वहीं पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, तो उसे भी आप फॉलो करके रख लो, वहीं पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले, बहुत सारे अपडेट वहां पे बीच बीच में आते रहते हैं। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।